दोस्तों मैं थक गया हूँ आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढते ढूंढते और आपको दिखाते दिखाते, बट आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिसमें आप छोटा सा मिनी प्लांट लगाकर, मिनी फैक्ट्री सेटअप अपने घर के छोटे से जगह में लगाकर महीना 1 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हो। और मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा बिजनेस आइडिया, ऐसा कंसेप्ट, ऐसा मिनी प्लांट आपने कभी ना आपकी जिंदगी में देखा होगा, ना इसके बारे में आपने सुना होगा, ना ही इसकी पूरी जानकारी आपको पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पर, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों ये छोटा सा जो बिजनेस है, छोटा सा जो मिनी प्लांट है, इसके बारे में पिछले मैं 2-3 महीने से काम कर रहा था, 2-3 महीने से रिसर्च कर रहा था कि कैसे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे पाऊँ, कैसे मैं आपको मदद कर पाऊँ ये नया बिजनेस आपको शुरू करवाने में। तो इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ देविका इंडस्ट्रीज से, मिस्टर नरेश सर से मिलने। और दोस्तों मेरी मेहनत के लिए और सर के इनोवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा लाइक्स का टारगेट, टोटल 50,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जो भी मैं नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। ये बिजनेस है, अभी अनटैप मार्केट है। अच्छा। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जिसमें हाई प्रॉफिट रहता है, जिसको अभी किसी लोगों ने छुआ भी नहीं है। बहुत ही कम लोगों को मालूम है इस बिजनेस के बारे में। जहां पर ये ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी लागत लगती थी, बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट करने पड़ते थे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और जगह के हिसाब से, दोनों के हिसाब से एकदम छोटी जगह में और छोटे इन्वेस्टमेंट से ये प्लांट शुरू हो सकता है। इस मशीन में से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो एकदम हाई डिमांडिंग वाली है, तो उसके डिमांड है, एकदम ज्यादा डिमांड है। लेकिन वो कैसे बनाना है, क्या करना है उसके लिए, ये हम जानकारी है वो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो आगे सर हमें इस मिनी प्लांट से कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, रॉ मटेरियल क्या लगता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मुनाफा कितना होगा, सारी जानकारी, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस छोटे से मिनी प्लांट के बारे में मिस ना हो जाए। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कौन सी मशीनरी लगती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है हमारी ब्लांचर कम डीकोटिकेटर मशीन, जो 1 घंटे में 150 kg के करीब में आपको आउटपुट देती है। और ये है हमारी क्रशिंग मशीन, और ये है हमारी रोस्टिंग मशीन, प्रोडक्ट में फ्लेवर ऐड करने के लिए फ्लेवर मिक्सिंग मशीन। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है रॉ मटेरियल, जो कि ऐसी मूँगफली हमें लेनी पड़ेगी। कच्ची मूँगफली लेनी है, छिलके वाली चाहिए, विदाउट छिलके वाली नहीं, और एकदम ड्राई और अच्छे दाने वाली मूंगफली हमें चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बने। ये मूंगफली ऐसा रॉ मटेरियल आपको मार्केट में से, सीधा मंडी में से 60 रुपये पर केजी से लेकर 70 रुपये पर केजी में मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस मूंगफली का छिलका निकालेंगे, वो हम हमारे इस ब्लेंचर मशीन में निकालेंगे। और आप देख सकते हैं हम यहाँ से मूंगफली डाल रहे हैं, और छिलका हुआ छिलका है वो पीछे निकल रहा है, और दाना है वो आगे निकल रहा है। और दूसरी भी आप बात देख सकते हैं कि पीछे जो शॉर्ट एकदम छोटा कम वेट वाला दाना है वो भी पीछे निकल रहा है, खराब दाना है, कम वेट वाला दाना है वो भी पीछे निकल रहा है। तो सॉर्टिंग भी एक टाइप का इसमें इस मशीन में हो जाता है। तो सर मार्केट में जो छिलका निकाले हुए मूंगफली के दाने वो भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग यूज में ले सकते हैं ना? मार्केट में जो अवेलेबल रहता है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है, और ये जो मूंगफली है इसमें मॉइस्चर कम रहता है। तो आपका जो रोस्टिंग पार्ट है वहाँ पे आपको वो कम गैस की लागत पे आपको ये रोस्ट करके देगा अच्छी तरह से। तो मार्केट में जो आप रेडी अवेलेबल मिलता है उसमें आपको ज्यादा गैस का लागत लगेगा, और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी। एक बार मटेरियल आउटपुट निकल जाए उसके बाद भी हम वापस एक बार वेरीफाई करते हैं कि भी इसमें छिलके नहीं आ रहे ना, क्योंकि कभी क्या होता है कि छोटा दाना रहता है मूंगफली का तो वो भी पास होकर निकल जाता है, तो वो भी हम क्वालिटी चेक करके फिर आगे उसको प्रोसेस में जाने देते हैं। पहला प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद में अब हम मटेरियल को रोस्ट करेंगे। तो रोस्टिंग के लिए सबसे पहले रोस्टर मशीन में हम सेंड रेत डालेंगे। तो रोस्टर के लिए सबसे पहले आपको सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर से हम रोस्टर मशीन को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद में लाइटर से लाइट अप करेंगे और मशीन को स्टार्ट करेंगे। हमारे मूंगफली के दाने में से मॉइस्चर निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, इसका जिससे जो उसका छिलका है वो निकालने में हमें मदद मिलती है, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। तो इस तरह से हमारा मूंगफली है वो रोस्टिंग मशीन में रोस्ट होता है, और हमें तब तक रोस्ट करते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, कलर थोड़ा सा रेडिश के ऊपर चला जाएगा तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं अभी हमारी मूंगफली का जो कलर है वो चेंज हो गया है, और दाने हैं पूरे रोस्ट हो चुके हैं। अभी हम मूंगफली को सेपरेट करेंगे, मूंगफली को और रेत को दोनों को बाहर निकल के सेपरेट करेंगे, और दाने को आगे प्रोसेस के लिए हम जाने देंगे।
ऐसे जाली को हिलाकर मूंगफली और रेत को सेपरेट करना है। तो जो हमारा मूंगफली का दाना रोस्टेड था उसको हम वापस इस ब्लेंचर मशीन में यूज़ करेंगे और इसका छिलका है वो निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा छिलका है वो पीछे की तरफ निकल रहा है और दाना है वो आगे की तरफ आ रहा है और दाना है वो पूरा टूट टूट के आ रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेटर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि दाने हमारे टूट गए हैं, टूटे हुए दाने ही हम इसमें यूज़ करेंगे। हाँ, तो ये दोस्तों हमारा लास्ट प्रोसेस है कि जिसमें हम मूंगफली के रोस्ट किए हुए छिलकर निकाले हुए दाने हैं उसको हम आगे की प्रोसेस के लिए पीनट बटर बनाने के लिए इस प्रोसेस में आगे डालेंगे। टूटे हुए जो दाने हैं आप देख सकते हैं इस होपर में हम डालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें डबल स्टेज ग्राइंडिंग मशीन है ये, तो ऊपर पहले एक ग्राइंडिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद में नीचे में फाइन ग्राइंडिंग प्रोसेस होगा। तो दो बार में प्रोसेस होके हमें एकदम फाइन पीनट बटर है वो मिलेगा जो कि एकदम क्रीमी रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि पहले चैम्बर में हमारा थोड़ा सा थिक मटेरियल ग्राइंड होके आ रहा है और उसके बाद में सेकंड जो है वहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि एकदम फाइन क्रीमी पीनट बटर है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं वेरी इजी, ये पूरा नेचुरल फॉर्म वाला ही पीनट बटर है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी पानी नहीं डाला है, कुछ भी फ्लेवर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, ये नेचुरल फॉर्म वाला ही पीनट बटर आप अभी देख रहे हैं। आप इस तरह से भी पैक कर सकते हैं, ये नेचुरल के नेचुरल तरफ से आपसे आपको बेचना है नेचुरल मटेरियल नेचुरल पीनट बटर ही, तो आप इस तरह से वो बेच सकते हैं, इस तरह से पैक करके उसको दे सकते हैं। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी चीज़ पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आपको इसके अंदर फ्लेवर ऐड करना है तो इसके नीचे ही हमारा फ्लेवर मिक्सिंग मशीन है वो लग जाएगा कि जिसमें से आप अलग अलग फ्लेवर मिक्स कर सकते हैं, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, हनी है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इस तरह के पैकिंग के लिए कांच के जार आप ले सकते हो, बोटल्स ले सकते हो, जो आपको पैकिंग के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। प्लास्टिक की बोटल्स भी ले सकते हो, जैसे कि ये हमारा देविका ब्रांड है तो हमने देविका नेचुरल पीनट बटर क्रीमी ऐसा हमने लगाया, तो उसके हिसाब से आप भी अपना जो भी ब्रांड बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। और ऐसा उसका ढक्कन है, उसको एयर टाइट ढक्कन रहता है, इसको पैक करके रख देना है। इसको इसके ऊपर आप ऐसे स्लीव लगा के इसको पैक कर सकते हैं और मार्केट में आप बेच सकते हैं। ये हमारा 1 किलो का पैकिंग हो गया और ये हमारा हो गया 750 ml का पैकिंग। इस तरह की छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में भी पैक करके आप इसको सेल कर सकते हो। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें आप क्रंची पीनट बटर बना सकते हैं और इसमें आप क्रीमी पीनट बटर बना सकते हैं। दोनों पीनट की डिमांड मार्केट में बहुत ही अच्छी है, क्रंची वाले की भी और क्रीमी वाले की भी, दोनों आप सेल कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। और सर ये जो पीनट बटर हम लोगों ने बनाया इसकी शेल्फ लाइफ कितने रहती है, कितने दिन तक ये रहता है? जनरली नेचुरली जो हमारा पीनट बटर है उसका शेल्फ लाइफ 12 महीने का रहता है, जहाँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जहाँ से हमने प्रोसेस किया है वहाँ से आप 12 महीने तक उसको रखे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके साथ में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डलते हैं, जब आप हमसे जुड़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। और सर इसमें कोई लाइसेंस वगैरह लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए? हाँ जी, इसके अंदर ये बिजनेस शुरू करने के लिए फूड लाइसेंस तो कंपलसरी रिक्वायर है, ये लगेगा ही, तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह से आप हाथों से भी पैक कर सकते हैं और अगर आपको वॉल सिस्टम से पैक करना है तो हमारे ये वॉल सिस्टम भी हमने दिया है कि मिक्सर मशीन में से जो वॉल है वो ओपन क्लोज करके आप वो पैकिंग कर सकते हैं, जो कि एकदम इजी है। और फ्लेवरिंग के लिए आपको यहाँ से मटेरियल इनपुट करना है पीनट बटर और उसके अंदर जो भी आपको फ्लेवर टेस्ट ऐड करना है वो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर मिक्स करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रॉबेरी मिक्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए आपको स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर चाहिए चॉकलेट फ्लेवर कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से ऐड करके यहाँ से आप सीधा ही वाल ओपन करके इसका आउटपुट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पीनट बटर क्या है वो पता नहीं है, उसका टेस्ट कैसे होता है वो पता नहीं है, तो मैंने व्यू प्रोडक्ट में अलग अलग ब्रांड्स के पीनट बटर टैग किए हुए हैं, तो आप वहां से भी खरीद कर पीनट बटर टेस्ट करके और प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो सर अभी हम लोगों ने जो पीनट बटर है वो बनाया, बट इसका जो मार्केट है वो कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ बिकता है? बेसिकली ये पीनट बटर है एक्चुअली सब जगह पे, जैसे कि मॉल्स है, मेट्रो सिटीज में जहाँ पे मॉल्स है, दुकान से सभी वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये मिलता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी जगह पे बिकता है ये चीज़। और सर ये जो पीनट बटर ये कौन लेता है? पीनट बटर ज़्यादातर लोग ये जिम में जाने वाले लोग हैं, जिसको अच्छे से अपना बॉडी बिल्ड करना है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है कि जिसको
अपने रूटीन में प्रोटीन्स का जो लेवल है वो बढ़ाए रखना है। प्रोटीन्स हर दिन में जिसको कंज्यूम करना है वो लोग बहुत ज्यादा ही लेते हैं, और ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड पे लगा के खाते हैं, तो ये बहुत ही मीन्स ज्यादा कंज्यूम होने वाली चीज है। तो सर अभी बात आती है मुनाफे की, इसमें मुनाफा कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलो की बॉटल है पीनट बटर की बनाई, तो वो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, और मैं जब किसी होलसेलर बड़ी दुकान को बेचूंगा या फिर ऑनलाइन भी इसे बेचना चाहूंगा तो ये कितने में बिकता है, मेरा मुनाफा कितना निकलता है, वो जरा समझाइए। हाँ, तो सबसे पहले हम पीनट बटर के कॉस्टिंग की बात करते हैं कि पीनट बटर का जो कॉस्टिंग है वो पर केजी, आपको समझ लीजिए सब कुछ मिला के 100 से लेके 130 के बीच में पर केजी आपको पड़ेगा, जिसमें सब एक्सपेंस आ गए। इसको आप दो तरह के तरीके से बेच सकते हैं, एक तो आप होलसेल चैनल के थ्रू बेच सकते हैं और दूसरा सीधा ही रिटेल चेन से, कि जो ऑनलाइन पे आप सीधा ही बेच सकते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। इसमें होलसेलर को आप पीनट बटर की 1 केजी की बोतल 200 से 230 के बीच में आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। 1 किलो की बोतल पर 100 से 130 रुपए का मुनाफा आपको आराम से मिल जाता है। और इसी चीज को अगर आप अपने ब्रांडिंग से, खुद के ब्रांडिंग से ऑनलाइन में सेल करते हो, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उस सब पे, तो आपको पर केजी 400 रुपए में बोतल बिकेगा। पीनट बटर का 1 केजी का बोतल 400 रुपए में बिकेगा, तो आप समझ लीजिए आपका मुनाफा कहां तक चला गया। 300 रुपए पर केजी आपको मुनाफा मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। मतलब आपने 100 रुपये में बनाया और 400 रुपये में बेच दिया। और हमारी मशीन से आप पर डे 150 किलो पीनट बटर का प्रोडक्शन आराम से निकाल सकते हो। समझो आपने 50 किलो दिन का प्रोडक्शन निकाला और उसको बेचा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका होलसेल पे 1 किलो पर 100 रुपये का मार्जिन है, और ऑनलाइन आप बेचते हो तो उसमें आपको 300 रुपये का मार्जिन है, तो आपका इस हिसाब से मुनाफा पर डे का 50 केजी का भी आप गिनने जाए तो 5,000 से लेकर 10,000 तक का आराम से बैठता है। तो महीने का आप 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का मुनाफा आराम से घर बैठे ले सकते हैं। तो सर अगर किसी को ये पीनट बटर मिनी प्लांट सेटअप करना है अपने मार्केट में, तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रहेगी? इन्वेस्टमेंट देखे तो इसमें मिनिमम 4 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें दोनों क्रीमी और क्रंचेक्स दोनों टाइप के पीनट बटर आप इसमें से बना सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर डिस्प्ले में आ रहा है, हमारा एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।